हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके हार्ट रीडिंग। आज का फोटो रीडिंग हम पिक्स आर्ट कवर करने वाले हैं। तो आप थंबनेल पर देख सकते हैं, फोटो में काफ़ी अच्छा लुक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड को पिक्स आर्ट में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइम में फेस आएगा। सबसे पहले ऐड फोटो में जाना है और फोटो को ऐड कर लेना है। मैं पहले ही फ़ोटो को कट आउट करके रखा था ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अगर जिनको पता नहीं है कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, तो मैं एक वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। फोटो को अच्छे से बैठा लेना है, बैकग्राउंड में कर लेना है डन। ब्यूटी में जाना है, हेयर कलर में जाना है, इरीज वाले रबर पे जाना है और अपने बालों पे जो कलर है उसको इरीज करना है। इरीज करने के बाद जो भी आपका कलर हो, आपको पसंद हो, उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फोटो को जूम करना है और अपने कपड़ों पे चलाना है ब्रश को सिलेक्ट करके। अपने कपड़ों पर अच्छे से ब्रश चलाना है। चलिए फटाफट से ब्रश कर लेते हैं। आपको जो भी कलर पसंद हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो कपड़ा में कितना अच्छा लुक आ गया है। अब फेस को स्मूथ करना है। ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और फोटो को जूम करके अपने फेस पे ब्रश चलाना है जहां जहां स्मूथ करना हो। फेस को अच्छे से स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद फोटो कर लेना है डन और हमको टैग लगाना है अपने नाम का। तो चलिए फटाफट से टैग लगा लेते हैं अपने नाम का। टैग को अच्छे से फोटो में बैठा लेना है। टैग में कलर भी लगा सकते हो आप, तो कलर लगा लेना। फोटो को कर लेना है डन। ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो के अंदर टेक्स्ट लगाना है तो लगा लेना है आपको भी। टेक्स्ट को लगा लेने के बाद फोटो को कर लेना है अपने गैलरी में सेव। फ़ोटो को गैलरी में सेव करने के बाद बैक आ जाना है, फिर से गैलरी में जाना है, इस फोटो को शेयर करना है स्नैपशॉट के अंदर में। स्नैपशॉट में ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप में फेस आएगा। सबसे पहले डिटेल्स को बढ़ा लेना है। फिर से टूल्स में जाना है और तीन इमेज को सेलेक्ट करना है और सेटिंग को इस टाइप में रखना है।
फोटो कर लेना है डन। तीर वाले आइकन पे जाना है, व्यू शीट्स में जाना है, तीनों इमेज में जाकर ब्रश को सिलेक्ट करना है, अर्थ वाले स्थान पे क्लिक करना है, फोटो को कर लेना है जूम और फोटो को ब्रश कर लेना है फटाफट से। फोटो को कर लेना है अपने गैलरी में सेव।